नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबरें। आजमगढ़ से खबर है, जहां टैक्सी एसोसिएशन की बैठक मंगलवार को अध्यक्ष विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता में राजीव बाग स्थित संगठन कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की जा रही बढ़ोतरी को देखते हुए एसोसिएशन ने टैक्सी किराए की दरों में 2 रुपये प्रति किलोमीटर बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ ही जिले के बाहर जाने वाली गाड़ियों की दूरी 200 से बढ़ाकर 250 किलोमीटर किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक अग्रवाल ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन टैक्सियों का किराया नहीं बढ़ रहा है, जिससे टैक्सी मालिकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई कम कीमतों को देखते हुए टैक्सी किराया बढ़ाने का एसोसिएशन ने निर्णय लिया है। एसोसिएशन के महामंत्री धर्मराज श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री को पत्र भेजकर स्पीड गवर्नर की गति सीमा 80 से बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा करने की मांग की है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं विवेक अग्रवाल, स्पीड ट्रेवल्स का प्रोप्राइटर हूं और टैक्सी एसोसिएशन आजमगढ़ का अध्यक्ष हूं। आज किस संदर्भ में प्रेस वार्ता बुलाई गई है? ये प्रेस वार्ता विगत दिनों सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के नाते अब हम लोग का, चूँकि एक तो कोरोना काल में ही धंधा चौपट हो गया था, तो उसके बाद से दोहरी मार पड़ गई है। कहाँ 65 रुपये डीजल था, अभी 85 से 85 रुपये हो गया। ये 20 रुपये का डिफरेंस आ गया, जिसके वजह से हम लोग का जो धंधा पहले से बंद था और भी ज़्यादा डम हो गया, मतलब डाउन हो गया इसकी वजह से। तो हमने ये फैसला लिया है कि जो भी गाड़ी पे रेट था उसमें कुछ रिवाइज किया जाए और जिसमें सबका काम काजे चल सके। क्या परसेंट की वृद्धि आप लोग कर रहे हैं अपने किराए में? हम लोग जो है 20% वृद्धि कर रहे हैं। जो 10 रुपये किलोमीटर था पहले, उसमें 2 रुपये बढ़ा के 12 रुपये कर दिया गया। भैया, अगर एक तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम पब्लिक मर रही है, और इस दौरान आप लोग की भी वृद्धि से क्या ये पब्लिक पे एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा? पब्लिक का क्या इसमें है? पब्लिक तो ऑलरेडी बेनिफिट मिल ही रहा था, 65 रुपये डीजल था, तो ये 10 रुपये का रेट था हम लोग का। तो बीच में 65-67 हुआ, 70 हुआ, 75 हुआ, फिर आखिर हम लोग को भी कोई बचना चाहिए, टैक्सी ऑपरेटरों को। डीजल बढ़ गया है, टायर का दाम बढ़ गया है, ड्राइवरों की तनख्वाह बढ़ गई है, सब कुछ तो बढ़ गया है। सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। तो ये चाहे लंबी दूरी हो चाहे छोटी दूरी हो, सब पे यही लागू रहेगा? नहीं, मिनिमम 200 किलोमीटर के ऊपर की दूरी के लिए है, आउट स्टेशन के लिए, मतलब जिले के बाहर जाने के लिए। अगर 100-150 किलोमीटर के अंदर रहती है तो कितना? 100-150 में 100 रुपये बढ़ जाए खाली बस। जी, कितना कहाँ कहाँ बसें जाती है? हर जगह माल ऊपर इंडिया, मतलब दिल्ली तक जाती है हमारी गाड़ी, दिल्ली बॉम्बे तक जाती है। जी, कुछ डिमांड के लिए पूछ लीजिए। डिमांड के में काम पूछ लीजिए बोल लेते कुछ। चलो ठीक है। अहमदाबाद कस्बे में पुण्यतिथि पर साहित्य प्रेमियों ने कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और हिंदी के विकास में उनके योगदान को याद किया। अपने संबोधन में भाजपा नेता संतोष कुमार गौड़ ने कहा कि हरिऔध ने हिंदी भाषा के विकास में बहुत काम किया है। हरिऔध जी का मानना था कि स्वतंत्रता अपनी भाषा और वाणी के अभाव में पराश्रमित बन जाएगी। इस सोच का नेतृत्व अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आचार्य चंद्रबली पांडे, सेठ गोविंद दास, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि और स्वयं महात्मा गांधी कर रहे थे। इसके अलावा हरिऔध जी राजनीतिक आंदोलन से हटकर हिंदी के अंदर जनग्राह्यता का वह रूप देना चाहते थे जिससे हिंदी स्वयं ही सर्वजन सर्वदेश स्वीकार हो जाए। भारतीय पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र नाथ मिश्र ने कहा कि भाषा के संवर्धन और शब्द समृद्धि की दृष्टि से हरिऔध जी कृति कलश का महत्व है। भाषा के विकास की दृष्टि से रसकलश अन्यतम ग्रंथ है। हिंदी साहित्य को विश्व में समृद्ध करने वाले सुप्रसिद्ध कवियों में हरिऔध जी का नाम लिया जाता है। इस अवसर पर गगन कश्यप, राकेश पाठक सहित तमाम लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शाहनवाज खान ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। पंडित हरिऔध सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पुण्यतिथि है। 15 अप्रैल 1865 को इसी निजामाबाद की पवित्र भूमि पर आपका जन्म हुआ था और आज 16 मार्च 1947 को आपका देहावसान हुआ था। आपने हिंदी काव्य में आपका अतुलनीय योगदान है। आपने हिंदी काव्य को विश्व की भाषा के रूप में समृद्ध किया और आपके तमाम वैदेही वनवास, चौखे चौकदे, चुपते चौकदे, प्रिय प्रवास आदि ऐसी अनेक रचनाएं हैं जिनका आपने रचना किया है और इसी निजामाबाद कस्बे हम लोग भाग्यशाली हैं इसी कस्बे के निवासी होकर के
आपने विश्व में इस कस्बे का भी नाम रोशन किया। जी सर, धन्यवाद। नगर में मित्र पुलिस का एक संवेदनहीन व्यवहार का वीडियो सामने आया है। इसमें मौके पर मौजूद पुलिस ने कल घाघरा नदी में डूबे दो छात्रों को ढूंढने के लिए सहपाठियों को नदी में कूदने के लिए कह रही है। पुलिस ने कहा है कि तुम्हारे भाई लोग हैं, तुम कूदो। ये तस्वीरें अंबेडकर नगर से है, जहां कल इंजीनियर के छात्र कल सेल्फी के चक्कर में नदी में कूदे थे, जिसमें तीन को ग्रामीणों ने बचा लिया, लेकिन दो छात्र अभी तक लापता है। लेकिन अभी तक लापता छात्रों को खोजने के लिए प्रशासन ने गोताखोरों की टीम नहीं भेज सकी है, जिसे लेकर छात्रों में बड़ी नाराजगी देखी जा रही है। पुलिसकर्मियों पर इंजीनियर के छात्रों ने गाली गलौज का रौब गालिब करते नजर आए पुलिसकर्मी। आपको बता दें कि ये खबर अम्बेडकर नगर से है, जहाँ कल हुए सेल्फी के चक्कर में दो छात्रों की मौत के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर खुद छात्रों से ये कहते हुए वीडियो में कैद हुई है कि तुम्हारे भाई थे, तुम कूदो, 30 किलोमीटर दूर तुम लोग क्या करने आए थे। सुनवाते हैं वीडियो में क्या कुछ कहे अम्बेडकर नगर की मित्र पुलिस। क्या मतलब तुम समझ रहे हो यार? सर, हम आपसे ग्रेजुएट हैं। यार पूछ जाओ ना, तुम पूछो, तुम्हारा भाई तुम पूछो ना। सर, हम आपसे नहीं बोल देंगे। तुम्हारे स्कूल में अभी टीम तुम्हारे स्कूल। एक मिनट, फिर बात सुनो। पर बिना चिल्लाइए नहीं। तुम्हारे स्कूल से खेले आ रहे हो? चिल्ला कैसे रहे आप? रिकॉर्ड करो, चिल्लाइए नहीं। ठीक है, रिकॉर्ड करो पहले। तुम कैसे बोल रहे हो? रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। बीच में आपने गाली क्यों दी? स्कूल से कितने लोग आए हैं? नहीं, हमने अभी से गाली यूज किया। हम लोग 7 बजे से हैं। क्यों नहीं आए? आए स्कूल से क्यों नहीं आए? यार हम लोग यहाँ लगे हैं। आप कितने बजे आए? आप बताइए जरा। आप कितने बजे आए? आप हमें बताइए। गोताखोर हैं? नहीं, हम इनको बोल रहे हैं क्या? सर, कितने बजे आए बताइए? गोताखोरों ने बोला था खोजेंगे गोताखोर की। हम सुनिए, हमें मालूम है। सर, आप गोताखोरों ने बोला था कि 6 बजे आ जाएंगे। हम कूद जाए सर, क्या बता सर? आप क्यों चिल्लाएंगे? बात कर रहे हैं तो आप ऐसे लैंग्वेज यूज करेंगे? गाली आप दे रहे हैं। किलोमीटर से यहाँ तुम सब सर, हम लोग एकदम नॉर्मल बात कर रहे हैं। भाषा का प्रयोग ये कर रहे हैं तो शांत रहो। सब लोग सहयोग कर रहे हैं सर। हम लोग भी तो नॉर्मली बात कर रहे हैं ना आपसे। हमने एक भी बार आपसे ऊंची आवाज में बात करी सर? आप बताइए, आप बताइए। बात क्या गलती है? तो बात क्या करोगे? हमारी क्या गलती है? नहीं देख पाया हूँ। 30 किलोमीटर से लोग यहाँ रोड क्या करने आते हैं सर? ये तो सर अब तो चले गए ना सर। और आज आजमगढ़ में एनजीटी के दायरे में आने वाले अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। और इस अभियान के तहत एनजीटी के दायरे में आने वाली दुकानों पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर दुकानों को ढाया गया। आपको बता दें कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव एडीए ने एनजीटी के आदेश पर एनजीटी के दायरे में आने वाले बवाली मोड़ से लेकर आरटीओ तक अतिक्रमण कर जमीनों पर कब्जा कर बड़ी बड़ी दुकान और बिल्डिंग ऊपर एनजीटीओ के निर्देशानुसार बुलडोजर चला है। अभियान के तहत एनजीटी के दायरे में आने वाली सभी दुकानों पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर दुकानों को उठाया गया। क्या कुछ कहा सचिव ने, सुनवाते हैं आपको। सर, आज किन स्थानों पे कार्रवाई की जा रही है और क्या है पूरा मामला? ये इस बवाली मोड़ से जो है शाही पुल के बीच में यह अतिक्रमण जो है करके जो है निर्माण जो किया गया था एनजीटी के आदेश है। ये ग्रीन बेल्ट है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी निर्माण कभी भी अनुमन्य नहीं हुआ। इनको रोकने के बाद भी जो है इन लोगों ने के द्वारा यह अतिक्रमण जो है करके जो है गैराज संचालन किया जा रहा है और नया के रूप में ये जो है किया गया है, जिसको बाद जो है तोड़ा गया है। दूसरा, इसको प्रारंभिक स्तर पर इसको रोका गया था जो है, लेकिन चोरी छिपे धीरे धीरे करके इसको टिनसिल जो है डाल लिया। इसको भी आज तोड़ने की कार्रवाई थी। इनके अनुरोध पर कि मेरे सामान निकालने का अवसर जो दे दिया जाए, 2 दिन का टाइम जो दे रहा हूँ। 2 दिन के बाद अगर ये सतह नहीं हटा लिया गया तो पुनः इसी तरह से जैसे भी लगाकर इसको ध्वस्त करेंगे। सर, कहाँ तक आज कार्रवाई की जाएगी? बस यहीं पर यह कार्रवाई है समाप्त है। ठीक है। आजमगढ़ के मेनगढ़ तहसील सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी आजमगढ़ की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। समाधान दिवस पर फरियादियों द्वारा विभागवार कुल 77 शिकायती पत्र पढ़े, जिसमें 34 का निस्तारण मौके पर किया गया। शेष विभागवार अधिकारियों कर्मचारियों को सौंपते हुए टीम गठित कर शीघ्र निस्तारित करने के आदेश जिलाधिकारी ने दिया। इसी क्रम में दामा गाँव से आए 2 दर्जन से अधिक मुसहर जात के महिला पुरुषों ने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि वर्ष 2019 में फिरसा मुड़ा कार्यक्रम के तहत शासनादेश के अंतर्गत आवास आवंटन किया गया, परंतु स्थानीय हरिजनों द्वारा भूमि को जबरदस्ती कब्जा किए जाने और प्रधान की मदद से
उस पर मुकदमा दायर किए जाने की बात रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने एसटीएम मेहनगर और इंस्पेक्टर को निर्देशित किया कि मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करे। वहीं लौदा इमादपुर के दर्जनों मुसहर द्वारा बनाए जा रहे आवास को गाँव के ही दबंग द्वारा अपनी भूमि बताकर काम रोके जाने की बात रखते ही जल्ला जिलाधिकारी ने वीडियो मेहनगर से बात की और मौके पर तहसीलदार मेहनगर सर्वेश कुमार सिंह और एसएचओ मेहनगर को प्रधान पर जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिए। कस्बा निवासी रणवीर सिंह पप्पू ने काटा संख्या 1057 भीटे की जमीन दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने का शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी ने तहसीलदार मेहनगर को जमीन खाली करने का आदेश दिया। तहसील दिवस पर उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी अनंत कुमार शुक्ला, पीडी लालजी, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने भी विभागवार शिकायती प्रार्थना पत्रों को देखते हुए फरियादियों को बारी बारी सुना। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के गोदापुर गांव में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला उस वक्त प्रकाश में आया जब सीओ सगड़ी मय कोतवाल गोदापुर गांव में पीड़ित लड़की की घर घटना की जानकारी लेने पहुंचे। अपराध की दृष्टि से संवेदनशील गांव गोदापुर में हत्या का आरोपी और जमानत पर छोड़कर आए राजेश और उसके परिवार द्वारा गाँव के लोगों को डराने धमकाने के साथ साथ गाँव के बच्चियों के साथ छेड़खानी की वारदात सामने आया। पीड़ित लड़की के परिवार की तहरीर पर मामले की जांच करने जब सीओ सकड़े अजय कुमार यादव कोतवाल महाराजगंज के साथ जब गांव में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो पीड़ित की मां काफ़ी डरी हुई थी। पुलिस प्रशासन के बार बार समझाने पर भी मनबड़ों का डर उसके मन से नहीं जा रहा था। महिला को समझाने के बाद उसके ने बताया कि राजेश का लड़का अजय ने मेरी लड़की से छेड़खानी किया है। उसने अभी बताया कि मेरे घर के बच्चे बच्चियाँ पढ़ने जाते हैं, मुझे डर है कि मेरे परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। उसके कथन पर सीओ सगड़ी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा देते हुए उसकी और उसके परिवार की सुरक्षा की बात कही है। से बोली कि यहाँ पर क्यों हो, तो वो बोल रहा लड़का कि अभी मीडिया वाले आ रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, हम देख रहे हैं उसको। तो ये बोली कि जाओ उधर रोड पे खड़ा होकर के देखो। तो बोला ये भी तो रोड है। अच्छा। बस इतने में ये अंदर जाने लगी। अजय भी अंदर जाने लगी तो पीछे से आकर के पकड़ लिया। हम घर पे नहीं थे, हमारी लड़की। क्या नाम है जिसने पकड़ा, उसका क्या नाम है? उसका अजय नाम है। अच्छा। उसका बाप का नाम राजेश है। उसके बाप का नाम राजेश है। जी सर। जो हत्या का आरोपी है उसी का लड़का है? हाँ, उसी का लड़का है। अच्छा, ये हमेशा मन बड़ा ही करता है यहाँ? अब वही तो कर रहा है ना, मन बड़ा ही है, तभी तो दिन दहाड़े घर में हल रहा है ना। हमारी उसके दुश्मनी नहीं किसी से, हम किसी के विपक्ष में भी नहीं है, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, हमें किसी से नहीं, हमें उनके पार्टी हो रहा हूँ ना उनके पार्टी हो रहा हूँ। बताओ दिन दहाड़े ये काम करेगा घर में किसी के हल्के? इतना मन बढ़ गया है उसका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद कई ऐसे कलेक्टर और कमिश्नर हैं जो सरकारी फोन पर कॉल रिसीव नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे 25 डीएम और 4 कमिश्नर को नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। वाराणसी, प्रयागराज, बरेली और अयोध्या के कमिश्नर से इस बाबत जवाब मांगा गया है। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि जिलाधिकारी और कमिश्नर सरकारी फोन पर आने वाले कॉल रिसीव नहीं करते हैं। इसके बाद सीएम योगी के निर्देश पर सभी जिलों के डीएम और आयुक्त को फोन किया गया था। ज्यादातर जिलों के जिलाधिकारी और कमिश्नर ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद ऐसे अफसरों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के श्री केएन सिंह महिला पीजी कॉलेज चैनपुर में बीएड विभाग के पाठ्यक्रम के तहत योग शिविर के तहत योगाभ्यास कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ आज सुबह 11 बजे महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर गोविंद तिवारी ने सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद छात्राओं ने सरस्वती ज्ञान प्रस्तुत किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी छात्राओं ने आयोजित कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को योग से फायदे के विषय में विभिन्न जानकारियां दी गई और जीवन में योगाभ्यास के फायदे भी बताए गए। इसमें छात्रों को योग के कई लाभकारी आसनों का अभ्यास कराया गया, साथ ही हर आसान से जुड़ी शारीरिक व मानसिक लाभ के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि योग करने से शारीरिक व मानसिक अनेक फायदे होते हैं। योग अभ्यास के दौरान बताया गया कि योग के विभिन्न आसनों से शरीर के अलग अलग हिस्सों को फायदा पहुंचता है। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर गोविंद तिवारी, केएन सिंह महिला पीजी कॉलेज प्राचार्य। सर, योग से क्या तात्पर्य है? योग से तात्पर्य है, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि चित्त वृत्ति निरोधा योग है, चित्त वृत्तियों को दमन करना ही, निरोध करना ही जो है योग है। योग के समापन पर बच्चियों के लिए क्या कहना चाहते हैं सर आप? योग के समापन के शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा बच्चियों से कि आप सभी विघ्न बाधाओं को पार कर सफलता संपन्नता के शांति शिखर पर पहुंचें। आपका आगत सर्वथा स्वागत योग्य हो और आप हमेशा जीवन के प्रगति पथ पर नित्य नए सोपान तय करें, करते ही जाएं, आगे बढ़े बढ़ते ही जाएं। हसीन वादियां आपका दिल खोलकर स्वागत करें, कामयाबी
की बुलंदियों को हासिल कर सफलता उनकी चरणें चूमें, यही मेरी शुभकामना है। सुख शांति शिखर पर पहुंचे। जी सर, धन्यवाद। तहसील सगड़ी पर संपूर्ण समाधान दिवस पर अपर जिलाधिकारी सीआरओ भूराजस्व अधिकारी हरिशंकर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान जिले के 21 अधिकारी तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर तक नहीं पहुंच पाए। पहुंचने पर उन्होंने कठोर कार्रवाई करते हुए एक दिन का वेतन रोकने की संस्तुति जिलाधिकारी को की। इस दौरान संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादियों की फरियाद सुनते हुए उन्होंने प्राथमिकता के साथ पड़े प्रार्थना पत्रों को त्वरित निस्तारण के निर्देश देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया। कार्यवाही से अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वही कठोर संपूर्ण तहसील समाधान दिवस पर यदि उच्च अधिकारी मौजूद नहीं रहते हैं तो फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए अन्य तहसील व जिला के अधिकारी नदारद रहते हैं। जो अधिकारी 10:30 बजे तक संपूर्ण समाधान दिवस पर मंगलवार को नहीं पहुंचे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए अपर जिलाधिकारी समस्त उच्च अधिकारियों को प्रतिलिपि भेज दिया गया है। कार्यवाही की सूचना मिलते ही संपूर्ण तहसील समाधान दिवस पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस संबंध में तहसीलदार सकड़ी ब्रजेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि कुल 21 अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने के लिए सीआरओ द्वारा संतुष्टि की गई है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कार्यालय पर बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री अनुप गुप्ता मौजूद रहे। प्रदेश महामंत्री अनुप गुप्ता ने अराजी देवारा के करखिया गांव में चौपाल कार्यक्रम किया, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी जरूरतों को जाना और जिन जरूरतमंदों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उनको लाभ पहुंचाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री अनुप गुप्ता ने चौपाल में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योजनाएं बनाकर उसका पैसा भेज रहे हैं, लेकिन अगर वह योजनाएं आप तक नहीं पहुंच पा रही है तो उसका कारण है कि आप लोगों ने गांव में गलत लोगों को चुनने का काम किया है। आपके गांव के प्रधान महाप्रधान ने चोरी की होगी, अन्यथा आप तक सरकार की सभी योजनाएं पहुंच गई होती। जैसे आपने नरेंद्र मोदी को चौकीदार बनाकर बिठा दिया है, देश की योजनाओं पर देश की सीमा पर कोई डाका नहीं डाल सकता, हमला नहीं कर सकता, उसी प्रकार आप अपने गांव में प्रधान महाप्रधान जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में ऐसे मोदी और योगी के प्रतिनिधि जिसे हम घोषित करें। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री सजानंद राय, जिला पंचायत चुनाव संयोजक सचिदानंद सिंह सहित तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराजगंज जनपद की कोतवाली पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गैंग का खुलासा कर चोरी की 14 बाइक बरामद की है। पकड़े गए सभी लड़के स्कूल के छात्र हैं। पुलिस ने आज इसका खुलासा किया है। बाइक चोरी के अलावा यह गैंग चैन स्नैचिंग भी करता था। पुलिस ने कोतवाली इलाके में हुई चैन स्नैचिंग का भी खुलासा कर चैन बरामद कर लिया है। यह बाइक चोर गैंग जनपद गोरखपुर कुशीनगर महाराजगंज में ये बाइक चोरी कर सस्ते दामों में नेपाल बेच देते थे। पकड़े गए 3 आरोपियों में से 2 स्कूली छात्र हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी की 14 मोटरसाइकिल बरामद किया है। क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी और अपराधियों पर धरपकड़ लगाम लगाने के लिए थाना कोतवाली के शिकारपुर चौराहे पर कल शाम को सघन चेकिंग कराया जा रहा था। चेकिंग के दौरान 3 मोटरसाइकिल जिस पर 5 लोग सवार थे, पुलिस वालों ने उनको रोककर पूछताछ करना चाहा तो 2 लोग तो उतरकर भाग गए। 3 लोगों को पुलिस ने रोका और उनसे पूछा, गाड़ियों को चेक किया गया तो गाड़ियों के बारे में कुछ बताया नहीं। इन्होंने फिर कड़ाई से पूछताछ करने पर इन्होंने गाड़ियों को चोरी करके चलाना बताया है और मौके पर 2 लोग जो भाग गए थे उनको उनकी संलिप्तता बताई है। मुख्यतः इनका एक गिरोह है जो क्षेत्र से गोरखपुर कुशीनगर महाराजगंज से मोटरसाइकिलों को चोरी करते हैं और नेपाल लास्ट ले जाकर बेचते हैं। इनमें जो मुख्य व्यक्ति जो राहुल पांडे है, यह गिरोह का सरगना है। इसके द्वारा सब संचालित होता था। इसके पास से चेकिंग के दौरान एक सोने का चैन भी बरामद हुआ जो कोतवाली क्षेत्र से इसने कुछ दिन पहले ही चैन स्नैचिंग किया था। सभी लोगों को अरेस्ट कर मुकदमा लेकर जेल भेजा जा रहा। 14 मोटरसाइकिल बरामद हुआ। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी सर्वन निषाद व राष्ट्रीय प्रचारक देवमणि का आगमन अतरौलिया के सिकंदरपुर में हुआ। कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया तथा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अतरौलिया विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रमणि निषाद ने भी निषादों के इतिहास को दोहराया। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि निषाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी इंजीनियर सर्वन निषाद ने कहा कि आज पूरे देश का सबसे लंबा और सबसे बड़ा किला निषाद राज का किला माना जाता है। वही आज इस चीज गद्दी पर सपा बसपा के लोग बैठे हैं। हमारे पुरखे कभी सोचे भी नहीं थे कि हमें भी कभी यह कुर्सी नसीब होगी। उसी तरह बसपा के लोगों की भी बदतर स्थिति थी तो उन्होंने भी अपना एक नेता चुना और आज उनकी दिशा और दशा दोनों बदल गई है। इसी तरह हमें भी अपना एक नेता चुनना होगा और आगे बढ़ना होगा। पंचायत चुनाव में पार्टी अपने सिंबल से चुनाव लड़कर 2022 का रास्ता तय करेगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल निषाद ने की। आज सुनाते हैं निषाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी
इंजीनियर सलोनी साहब ने क्या कुछ कहा। त्रिस्तरीय चुनाव के चलते जो है आज कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह रखा गया है और इसी कार्यकर्ता सम्मान समारोह में एक सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में एक नई ऊर्जा का संचार दिया गया है, जिससे दो जो त्रिस्तरीय चुनाव है उसमें निषाद पार्टी अपने दमखम के साथ सभी सीटों पर अपना प्रदर्शन करेगी और अपने संबल पर चुनाव लड़ेगी और जिसका रिजल्ट हमें 2022 को देखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम निषादों का आरक्षण उनके दरवाजे पे पहुंचाएंगे और उन्होंने 2022 तक का समय लिया है और धीरे धीरे समय ये जाता जा रहा है, कहीं से भी कोई आसार नहीं दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आरक्षण के मुद्दे पे कहीं भी कोई संतोषजनक रिजल्ट देना चाहती है। और इस पंचायत जो चुनाव है, इस चुनाव में हम लोग अपने सिंबल से अपने प्रत्याशी को जिता के भारतीय जनता पार्टी को उनका चेहरा दिखाएंगे कि ये निषाद समाज है और निषाद समाज जब किसी का बटन दबाना बंद कर देता है तो वो पार्टी गर्त में जली जाती है। पिछले समाजवादी पार्टी का निषाद समाज ने बटन दबाना बंद कर दिया, आज देखिए समाजवादी पार्टी कहाँ चली गई। बसपा का बटन दबाना बंद किया तो बसपा कहाँ चली गई, कांग्रेस का बटन दबाना बंद किया तो कांग्रेस कहाँ चले गए। समाज ने निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के साथ रहेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे, फिर हम लोगों ने मिल के चुनाव लड़ा और निषाद समाज ने बटन दबाया और निषाद समाज का नाम भी रोशन किया, कहीं से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की गद्दी पे भी पहुंचाया, मगर आज के तारीख में उस समाज का कोई भी मान सम्मान स्वाभिमान भारतीय जनता पार्टी से देखता नहीं मिल रहा है। क्या पार्टी सर सभी सीटों पे लड़ेगी और क्या मुद्दा लेगा उसके बाद? पार्टी सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी और हमारा एक ही मुद्दा रहेगा कि आरक्षण जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी समाज के दरवाजे पर पहुंचाने का काम करे, नहीं तो 2022 में एक सबूतकान उसे करना पड़ेगा। आजमगढ़ की मेहनगढ़ तहसील पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर उपस्थित जिलाधिकारी राजेश कुमार ने तहसीलवार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा व मंत्री अशोक यादव सहित दर्जनों की संख्या में अधिवक्ताओं ने भेंट कर ग्रामीण न्यायालय के लिए तहसील परिसर के पूर्व में चल रहे उप निबंधक कार्यालय व उप कोषागार कार्यालय में संचालित करने का प्रस्ताव रखा, डीएम के सम्मुख रखा, जिस पर वो सहमति जताई और तत्काल अलग अलग दोनों भवनों को देखा। उक्त भवनों में ग्रामीण न्यायालय के लिए सहमति जताई और उप जिलाधिकारी प्रियंका प्रियदर्शनी से तत्काल रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा। साथ ही ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को तहसील पूर्वी बाउंड्री वाल में अलग से गेट लाए जाने का एस्टिमेटम आदि दें। तो वही अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से ग्रामीण न्यायालय तहसील परिसर में संचालित करने के लिए उपयुक्त है। और अम्बेडकर नगर में मित्र पुलिस का एक संवेदनहीन व्यवहार का वीडियो सामने आया है, जिसमें मौके पर मौजूद पुलिस ने कल घाघरा नदी में डूबे दो छात्रों को ढूंढने के लिए सहपाठियों को नदी में कूदने के लिए कह रही है। पुलिस ने कहा है कि तुम्हारे भाई लोग हैं, तुम कूदो। ये तस्वीरें अम्बेडकर नगर से है, जहां कल इंजीनियर के छात्र कल सेल्फी के चक्कर में नदी में कूदे थे, जिसमें तीन को ग्रामीणों ने बचा लिया, लेकिन दो छात्र अभी तक लापता है। लेकिन अभी तक लापता छात्रों को खोजने के लिए प्रशासन ने गोताखोरों की टीम नहीं भेज सकी है, जिसे लेकर छात्रों में बड़ी नाराजगी देखी जा रही है। पुलिसकर्मियों पर इंजीनियर के छात्रों ने गाली गलौज का रौब गालिब करते नजर आए पुलिसकर्मी। आपको बता दें कि ये खबर अम्बेडकर नगर से है, जहाँ कल हुए सेल्फी के चक्कर में दो छात्रों की मौत के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर खुद छात्रों से ये कहते हुए वीडियो में कैद हुई है कि तुम्हारे भाई थे, तुम कूदो, 30 किलोमीटर दूर तुम लोग क्या करने आए थे। सुनवाते हैं वीडियो में क्या कुछ कहे अम्बेडकर नगर की मित्र पुलिस। मतलब क्या मतलब तुम समझ रहे हो यार? वो सर हम सब ग्रेजुएट है यार, तू क्या ना तुम कूदो, तुम्हारे भाई से तुम कूदो ना। नहीं सर हम नहीं बोल देंगे, तुम्हारे स्कूल में हमने टीम तुम्हारी स्कूल, एक मिनट इनका सुनो, पास बिना चिल्लाइए नहीं, तुम्हारे स्कूल से खेलने आ रहे हैं, चिल्ला कैसे रहे आप? रिकॉर्ड करो, चिल्लाइए नहीं, ठीक है रिकॉर्ड करो, पहले चिल्ला कैसे रहे आप? रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो, बीच में आपने गाली क्यों दी, स्कूल से कितने लोग आए हैं? नहीं हमने अभी से लाने यूज किया, हम लोग 7 बजे से आए हैं, क्यों नहीं आए आए स्कूल से, क्यों नहीं आए यार? हम लोग यहाँ लगे हैं, आप कितने बजे आए आप बताइए जरा, आप कितने बजे आए आप हमें बताइए, गोताखोर हैं? नहीं हम इनको बोल रहे हैं क्या सर, कितने बजे आए बताइए? गोताखोर ने बोला था खोजेंगे गोताखोर की, हम खोजिए, हमें मालूम है सर, गोताखोर ने बोला था कि 6 बजे आ जाएंगे, हम कूद जाए सर, क्या बता सर आप क्यों चिल्लाए मुझे बात कर रहे हैं सर? तो आप ऐसे आगे यूज करेंगे गाली, आप 20 किलोमीटर से आए तुम सब सर, हम लोग एकदम नॉर्मल बात कर रहे हैं, भाषा का प्रयोग ये कर रहे हैं, शांत रहो सब,
सब लोग सहयोग कर रहे हैं सर। हम लोग भी तो नॉर्मली बात कर रहे हैं ना आपसे। हमने एक भी बार आपसे ऊंची आवाज में बात करी सर। आप बताइए, आप बताइए, बात क्या करोगे? गलती है तो बात क्या करोगे? हमारी क्या गलती है? नहीं देख पाया हूँ। 30 किलोमीटर से लोग यहाँ रोड क्या करने आते हैं सर? ये तो सर अब तो चले गए ना। आजमगढ़ से खबर है जहां टैक्सी एसोसिएशन की बैठक मंगलवार को अध्यक्ष विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता में राजीव बाग स्थित संगठन कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की जा रही बढ़ोतरी को देखते हुए एसोसिएशन ने टैक्सी किराए की दरों में 2 रुपये प्रति किलोमीटर बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ ही जिले के बाहर जाने वाले गाड़ियों की दूरी 200 से बढ़ाकर 250 किलोमीटर किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक अग्रवाल ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन टैक्सियों का किराया नहीं बढ़ रहा है, जिससे टैक्सी मालिकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई कम कीमतों को देखते हुए टैक्सी किराया बढ़ाने का एसोसिएशन ने निर्णय लिया है। एसोसिएशन के महामंत्री धर्मराज श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री को पत्र भेजकर स्पीड गवर्नर की गति सीमा 80 से बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा करने की मांग की है। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। मैं विवेक अग्रवाल, स्पीड ट्रेवल्स का प्रोप्राइटर हूं और टैक्सी एसोसिएशन आजमगढ़ का अध्यक्ष हूं। आज किस संदर्भ में प्रेस वार्ता बुलाई गई है? ये प्रेस वार्ता विगत दिनों सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के नाते अब हम लोग का, चूँकि एक तो कोरोना काल में ही धंधा चौपट हो गया था, तो उसके बाद से दोहरी मार पड़ गई है। कहाँ 65 रुपये डीजल था, अभी 83 से 85 रुपये हो गया है। 20 रुपये का डिफरेंस आ गया, जिसके वजह से हम लोग का जो धंधा पहले से बंद था और भी ज़्यादा डम हो गया, मतलब डाउन हो गया इसकी वजह से। तो हमने ये फैसला लिया है कि जो भी गाड़ी का रेट था उसमें कुछ रिवाइज किया जाए और जिसमें सबका काम काज चल सके। क्या परसेंट की वृद्धि आप लोग कर रहे हैं अपने किराए में? हम लोग जो है 20% वृद्धि कर रहे हैं। जो 10 रुपये किलोमीटर था पहले, उसमें 2 रुपये बढ़ा के 12 रुपये कर दिया गया। भैया, अगर एक तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम पब्लिक मर रही है, और इस दौरान आप लोग की भी वृद्धि से क्या ये पब्लिक पे एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा? पब्लिक का क्या इसमें है? पब्लिक को तो ऑलरेडी बेनिफिट मिल ही रहा था। 65 रुपये डीजल था तो ये 10 रुपये का रेट था हम लोग का। बीच में 65-67 हुआ, 70 हुआ, 75 हुआ, फिर आखिर हम लोग को भी कोई बचना चाहिए, टैक्सी ऑपरेटरों को। डीजल बढ़ गया है, टायर का दाम बढ़ गया है, ड्राइवरों की तनख्वाह बढ़ गई है, सब कुछ तो बढ़ गया है। सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। तो ये चाहे लंबी दूरी हो चाहे छोटी दूरी हो, सब पे यही लागू रहेगा? नहीं, मिनिमम 200 किलोमीटर के ऊपर की दूरी के लिए, आउट स्टेशन के लिए, मतलब जिले के बाहर जाने के लिए। अगर 100-150 किलोमीटर के अंदर रहती है तो कितना? 100-150 में 100 रुपये बढ़ जाए खाली बस। जी, कहाँ कहाँ बसें जाती है? हर जगह माल ऊपर इंडिया, मतलब दिल्ली तक जाती है हमारी गाड़ी, दिल्ली बॉम्बे तक जाती है। जी, कुछ डिमांड के लिए पूछ लीजिए। डिमांड के मैं काम पूछ लीजिए बोल लेते कुछ। चलो ठीक है। निजामाबाद कस्बे में पुण्यतिथि पर साहित्य प्रेमियों ने कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और हिंदी के विकास में उनके योगदान को याद किया। अपने संबोधन में भाजपा नेता संतोष कुमार गौड़ ने कहा कि हरियाणा ने हिंदी भाषा के विकास में बहुत काम किया है। हरियाणा जी का मानना था कि स्वतंत्रता अपनी भाषा और वाणी के अभाव में पराश्रमित बन जाएगी। इस सोच का नेतृत्व अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाणा, आचार्य चंद्रबली पांडे, सेठ गोविंद दास, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि और स्वयं महात्मा गांधी कर रहे थे। इसके अलावा हरियाणा जी राजनीतिक आंदोलन से हटकर हिंदी के अंदर जनग्राह्यता का वह रूप देना चाहते थे जिससे हिंदी स्वयं ही सर्वजन सर्वदेश स्वीकार हो जाए। भारतीय पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र नाथ मिश्र ने कहा कि भाषा के संवर्धन और शब्द समृद्धि की दृष्टि से हरियाणा जी कृति कलश का महत्व है। भाषा के विकास की दृष्टि से रसकलश अन्यतम ग्रंथ है। हिंदी साहित्य को विश्व में समृद्ध करने वाले सुप्रसिद्ध कवियों में हरियाणा जी का नाम लिया जाता है। इस अवसर पर गगन कश्यप, राकेश पाठक सहित तमाम लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शाहनवाज खान ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। पंडित हरियाणा सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाणा की पुण्यतिथि है। 15 अप्रैल 1865 को इसी निजामाबाद की पवित्र भूमि पर आपका जन्म हुआ था और आज 16 मार्च 1947 को आपका देहावसान हुआ था। आपने हिंदी काव्य में आपका अतुलनीय योगदान है। आपने हिंदी काव्य को विश्व की भाषा के रूप में समृद्ध किया और आपके तमाम वैदेही बनवास, चोखे चौपदे, चुपते चौपदे, प्रिय प्रवास आदि ऐसी अनेक रचनाएं हैं
जिनका आपने रचना किया है और इसी निजामाबाद कस्बे हम लोग भाग्यशाली हैं इसी कस्बे के निवासी होकर के आपने विश्व में इस कस्बे का भी नाम रोशन किया है। जी सर, धन्यवाद।